मैं फिर से आपके समक्ष खड़ी हूँ आपको कुछ बताने के लिए, और वही बहुत सहज भाषा में किसी टॉपिक को समझाने के लिए। अच्छा लगता है कि आप लोग हमारे जो लेक्चर उसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और हमारा भी मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं आपको सहज भाषा में किसी विषय पर प्रकाश डालूं, आपको समझाऊं। तो आज मैं आपके सामने जो लेकर के आई हूं वह रूस के इतिहास से संबंधित है, यूरोप के इतिहास से संबंधित है, और अगर सच पूछें तो यह विश्व की महत्वपूर्ण घटनाओं में एक है जिसे हमें जानना चाहिए। अगर हम इतिहास के विद्यार्थी हैं या हम विश्व इतिहास के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं तो हमें इसे जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो फिर मैं वही बात कहती हूँ, संक्षेप में बड़ी बात, गागर में सागर भरने के उद्देश्य से मैं यहाँ खड़ी। आज मैं बात करती हूँ युवा तुर्क आंदोलन, युवा तुर्क आंदोलन, यंग टर्क रेवोल्यूशन, ये क्या था। तो जैसा कि हम जानते हैं पूर्वी समस्या ईस्टर्न क्वेश्चन यह आधुनिक यूरोप की एक बहुत बड़ी समस्या थी। आखिर क्या समस्या थी ये पूर्वी समस्या? तो पूर्वी समस्या को हम ऐसे समझते हैं, ऑटोमन साम्राज्य था, साम्राज्य का मतलब बहुत बड़ा राज साम्राज्य, और ऑटोमन साम्राज्य जब विशाल रोमन साम्राज्य समाप्त हुआ, उसका पतन हुआ, तो वहीं पर जो विशाल साम्राज्य खड़ा हुआ वह ऑटोमन अम्पायर कहा जाता है या तुर्क साम्राज्य कहा जाता है। तो ये तुर्क साम्राज्य की स्थापना हुई जो बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। इस साम्राज्य में यूरोप के बहुत सारे भाग, एशिया के बहुत सारे भाग, अफ्रीका के भी बहुत सारे क्षेत्र इसमें शामिल थे। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्वाभाविक वो साम्राज्य जो है काफी बड़ा होगा। ये साम्राज्य बहुत अच्छे तरीके से बहुत सालों तक चलता था। इसमें इस साम्राज्य ने काफी विकास किया और विश्व को अपनी विशालता से, अपनी जो कार्य प्रणाली थी उससे बहुत बड़ी उपलब्धि प्रदान की। कहने का अर्थ कि ऑटोमन साम्राज्य विश्व इतिहास में एक ऐसा स्थान रखता है जहां पर पूरे विश्व ने उससे कुछ पाया। तो आज हम पूर्वी समस्या के बारे में बहुत अधिक गहराई तक नहीं जाएंगे, सिर्फ हम समझने के लिए, ये समझने के लिए हम पूर्वी समस्या के बारे में हल्का सा जान जाएंगे, लेकिन आप समझ जाइए तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। तो ये ऑटोमन साम्राज्य बहुत विकसित हुआ, बहुत ऊंचाई तक गया, उत्कर्ष को चूमा, लेकिन जिस तरह किसी भी चीज का उत्कर्ष के बाद पतन होता है, उसी प्रकार इस ऑटोमन साम्राज्य का भी पतन होना शुरू हुआ। और पतन क्यों हुआ? इसका मुख्य कारण था कि जो राजनीतिक स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति में क्या, खासकर जो शासक थे वह स्वेच्छाचारी हो गए, निरंकुश हो गए। उन्होंने जिस क्षमता से उन्हें शासन करना चाहिए था, जिन धर्मों को लेकर शासन करना चाहिए था, उसे उन्होंने छोड़ दिया। फलतः देश में विद्रोह होने लगे, लोग खफा होने लगे उस शासन व्यवस्था से। कारण बहुत सामान्य था कि यह ऑटोमन साम्राज्य जो है या तुर्क साम्राज्य जो है मुख्य रूप से मुस्लिम साम्राज्य था, लेकिन इस साम्राज्य में बहुत सारे देश ईसाई थे। इसके अलावे भी बहुत सारे देश थे जो विभिन्न धर्मों को मानने वाले थे, बहुत सारे चर्च होते हैं, उन चर्चों को मानने वाले थे,
तो इनकी जो प्रवृत्ति थी वो बिल्कुल अलग थी, लेकिन ऑटोमन साम्राज्य शुरू में इन सबों को बराबर दृष्टि से देखते हुए सबके कल्याण की बात करता आ रहा था। फलस्वरूप यह बहुत दिन तक आगे बढ़ा, बहुत ऊंचाई तक गया। लेकिन हम देखते हैं कि 1850 के बाद, 1800 शुरू हुआ उसी समय से, हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि तुर्क साम्राज्य के अंदर बहुत सारी विघटनकारी तत्व आ गए थे। बहुत सारी ऐसी ऐसी वैसे कारण उभर गए थे जिसके कारण कहीं धर्म के नाम पर विद्रोह हो जाता था, कहीं जाति के नाम पर विद्रोह हो जाता था, कहीं किसी मामले को लेकर, असंतोष को लेकर विद्रोह हो जाता था। तो इस तरह हम देखते हैं कि विद्रोह होने लगा। सर्बिया का विद्रोह हुआ, जिसमें सर्बिया का गाना था कि मैं तुर्क साम्राज्य के अंतर्गत नहीं रहूंगा। यूनान का विद्रोह हुआ, उसने भी सर्बिया की तर्ज पर कहा कि मैं भी तुर्क साम्राज्य के अंदर नहीं रहूंगा, हमारा भी अलग, हमारी अलग पहचान है, हमारा अलग इतिहास है, हमारी अलग सभ्यता है। इसी प्रकार मिश्र, जो कभी बहुत अपना हुआ करता था तुर्क साम्राज्य, तुर्क शासन का, वह भी जो है उससे असंतुष्ट होकर, उसे मनचाहत जब नहीं मिला सुल्तान से, तो वह भी उससे रुष्ट होकर वह भी विद्रोह करने के लिए तैयार हो गया। तो अगर हम देखें तो अधिकांश राज्य, खासकर जो ईसाई देश थे, वह विद्रोह करने लगे और तुर्क साम्राज्य से स्वतंत्र होने की मांग करने लगे। इसका फायदा बहुत सारे यूरोपीय देशों ने उठाया। सबसे पहले रूस, वो इस मामले को बहुत ध्यान से देखता था, बहुत इंटरेस्ट लेता था। उसका यह सोचना था कि सर्बिया को मैं सहायता दूंगा, बुल्गारिया को सहायता दूंगा, यूनान को सहायता दूंगा और इसे तुर्की साम्राज्य से अलग कर दूंगा। इससे क्या होगा कि जिस राज्य को मैं सहायता दूंगा वह हमारा शुभचिंतक तो होगा ही, और हम आगे तक जाएंगे, उस क्षेत्र तक जाएंगे, हमारी जो हमारा जो विस्तार है वह एशिया तक होगा। एशिया से हम इंग्लैंड, सॉरी, भारत है, चाइना है, अफगानिस्तान है, इन सारे क्षेत्रों पर अपना कब्जा होगा। ये उसकी सोच थी और इसके लिए वह इन देशों को भड़काता रहता था कि तुम ईसाई हो, तुम क्यों तुर्क साम्राज्य के अंतर्गत रहोगे, तुम्हें स्वतंत्र होना चाहिए, तुम स्लाव जाति के हो, तुम क्यों उसके अंदर रहोगे, तुम अलग हो। तो इस तरह की बातें करके रूस इन्हें भड़काता था और जब जरूरत पड़े तो पूरी सैनिक सहायता या अन्य सहायता के लिए के साथ उनके साथ खड़ा हो जाता था। इसका परिणाम क्या हुआ कि अब तुर्क साम्राज्य कमजोर होने लगा। बुल्गारिया, रोमानिया, क्रीट, ऐसे ऐसे जो क्षेत्र थे वह अपनी इच्छा से चलने लगे। बुल्गारिया, मुझे स्वतंत्र होना है, सर्बिया का अलग गाना है, बोस्निया हर्जेगोविना का भी अलग है कि हम सर्ब जाति के हैं तो हम तुर्क साम्राज्य में क्यों रहे। तो ऐसी ऐसी बहुत सारे मतभेद उनके मन में थे, जिसके परिणाम स्वरूप तुर्की साम्राज्य कमजोर होते जा रहा था और होने लगा था। ऐसे में हम देखते हैं कि सेंट स्टीफन की संधि हुई, यही सब आपसी लड़ाई को लेकर के शांत करने के लिए। इसमें रूस आगे बढ़कर के आया, तुर्की में के साथ समझौता हुआ और उसने क्या किया कि बहुत तुर्की के बहुत सारे क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लिया कि ये सब क्षेत्र जो है वह स्लाव जाति के हैं, तो इसे हम देखेंगे, हमारे नियंत्रण में रहेगा। लेकिन तुर्की को भी दिखाने के लिए क्या किया कि हाँ, आपका भी इसमें शासन रहेगा, नाम मात्र का शासन आपका रहेगा, लेकिन पूरी शक्ति, पूरा जो कंट्रोल होगा वह हमारा होगा। जब इस संधि, ये संधि हुई 1868 में, उसी समय जब लोगों ने, यूरोपीय देशों ने देखा कि अरे वाह, रूस तो बड़ा चालाक निकला,
उसने तो फटाफट तुर्की से, तुर्की के सुल्तान से संधि कर ली और मजे में जो है बढ़िया बढ़िया क्षेत्र जो है वो अपने अंदर कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया। यह किसी भी यूरोपीय देश को पच नहीं सकता था। फिर से संधि की तैयारी हुई और बर्लिन की संधि हुई 1868 में और जर्मन के बर्लिन में संधि हुई, जिसमें बहुत सारे यूरोपीय देश आए और कोशिश की गई कि रसिया ने जितने सारे क्षेत्रों को अपने अधिकार में कर लिया है उसे पुनः लिया जाए, और इतना ही नहीं उन लोग भी आपस में उन क्षेत्रों पर अपना अधिकार या अपना प्रभाव दिखाने के लिए उस हस्ताक्षर में, उस संधि पे हस्ताक्षर किए। लेकिन फिर भी इसमें यह दिखाया गया कि हम टर्की की सुचिंता चाहते हैं, टर्की को हम इस तरह टूटने नहीं देना चाहते हैं, टर्की यानी तुर्की या ऑटोमन साम्राज्य जो भी हम कहें, तो हम इसे टूटने देना नहीं चाहते हैं। यह यूरोपीय देशों का कहना था, सिर्फ कहना, वो हृदय से ऐसा नहीं चाहते थे, वो दिल से ऐसा नहीं चाहते थे कि ऑटोमन साम्राज्य ऐसा ही बना रहे, ये बस एक दिखाने वाली बात थी। तो चलो ये हो गया, बर्लिन संधि हो गई, अब सब कुछ फिर से चलने लगा वैसे ही। ये अलग बात है कि अभी भी ऑटोमन साम्राज्य में जो राज्य थे, जो लोग थे, जो बहुत जाति के लोग थे, वह बीच बीच में विद्रोह करते रहते थे, जिसकी एकमात्र इच्छा क्या थी कि स्वतंत्र हो जाए। और हमने जैसा बताया कि जो शासक थे उस समय, शासक थे अब्दुल हमीद, उनका जो रवैया था वह एकदम से सही नहीं था, वह भेदभाव करता था मुस्लिम समाज के लिए, मुस्लिम देश के लिए। उसके पास विशेषाधिकार उन लोगों के लिए उन्होंने बनाया था, जबकि ईसाई देश भी थे वहां, उनकी भी सुख सुविधा उन्हें चाहिए थी, लेकिन उसके लिए उन्होंने आगे बढ़कर कोई कदम नहीं उठाया था, जिससे क्या हुआ कि ये ईसाई देश जो थे वह असंतुष्ट रहते थे उस तुर्की सुल्तान से, और उसका परिणाम क्या होता था, वही विद्रोह करना, तुर्की साम्राज्य से स्वतंत्र होना। ऐसा चलता गया और 1908 में क्या हुआ, रूस, इंग्लैंड, ये सब ने तुर्की सुल्तान के पास एक प्रस्ताव रखा। क्या प्रस्ताव रखा, कि ईसाई देश जो है उनके कल्याण की बात की जाए, उनकी सुख सुविधा की बात की जाए, उनके अधिकार की बात की जाए, ये बात उन्हें प्रस्ताव के रूप में कहा गया। ऐसे समय में जो युवा तुर्क थे, युवा तुर्क का मतलब है जो तुर्की के युवा थे, जो उदारवादी व्यक्ति संगठन था, जो चाहते थे कि हमारा तुर्क, हमारे तुर्की अंपायर जो है वह फिर से पुनर्जीवित हो, फिर से पुनर्प्रतिष्ठित हो, इसमें कुछ लोग, एक संगठन था युवा तुर्कों का जो तुर्की साम्राज्य को संरक्षित करने के लिए प्रयत्नशील थे। तो इस तरह कुछ नेता थे, तो उन लोगों ने आगे आकर कहा कि भाई ये गलत बात, क्यों यूरोपीय देश आके हमारे सुल्तान को बोलेगा कि सुधार कीजिए और ऐसा नियम बनाइए, ऐसा काम कीजिए, हम सुल्तान हैं, हमारा देश है, तो हम उसके लिए सोचेंगे, कोई यूरोपीय के कहने पर हम क्यों आगे बढ़े। तो यहीं से जो है शुरू होता है युवा तुर्क आंदोलन, जिसका उद्देश्य था कि हम अपना मामला खुद देख लेंगे, आपको इधर इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं है। यह युवा तुर्कों का कहना था, क्योंकि ये युवा तुर्क चाहते थे कि इनका जो साम्राज्य है, ऑटोमन साम्राज्य है, तुर्की साम्राज्य है, वह अपनी पूर्व स्थिति में पुनः प्रतिष्ठित हो जाए। तो इस तरह से युवा तुर्क आंदोलन 1908 में हुआ, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, और हम इसके बारे में थोड़ा विस्तार से ये चर्चा करते हैं कि इसका हम कहेंगे कारण क्या था। सवाल आ जाता है कि युवा तुर्क आंदोलन जो 1908 में हुआ, इसके क्या कारण थे। तो इसके कारण
निरंकुश शासन, जैसा कि मैंने बताया अब्दुल हमीद जो एक निरंकुश शासक था, उसने अपने शासन पद्धति में कुछ ऐसी गड़बड़ी की जो नहीं होना चाहिए था। उसने जो भेदभाव किया, ईसाई मुस्लिम ईसाइयों को किनारे रखा, उन्हें सुख सुविधाओं से वंचित किया, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, उनके धर्म के नाम पर उन्हें जो है दोयम दर्जे पे रखा, और जो मुस्लिम थे उनके लिए विशेषाधिकार थे उनको बहुत महत्व दिया गया। तो ये सब बातें जो थी खटकने लगी थी लोगों को, और परिणाम स्वरूप विद्रोह होता था। तो इन युवा तुर्कों का कहना था कि ये निरंकुश शासन जो है ये सबसे बड़ा कारण है हमारे विशाल तुर्क के विघटन का या टूटने का। तो हमें सबसे पहले ये करना होगा कि ये निरंकुश शासन व्यवस्था हटानी होगी, हमें लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, हमें जनतंत्रात्मक व्यवस्था लागू करनी होगी, ताकि हमारा तुर्क जो है एक सम्मानित जगह पर बना रहे। इसके बाद बात होती है यूरोप की राष्ट्रवादी भावनाएं। लगभग जब से फ्रांस की क्रांति हुई 1789 में, उसके बाद 1830 में 1840 में फ्रांस में क्रांति हुई, और इसके साथ ही बहुत सारे यूरोपीय देशों में राष्ट्रवादी आंदोलन क्रांति शुरू हो गई, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, राजतंत्र की समाप्ति कर लोकतंत्रात्मक शासन में जीना। तो अब जो है उस ऑटोमन साम्राज्य में बहुत सारे यूरोपीय देश थे, वह भी क्या चाहने लगे कि हम भी किसी निरंकुश शासन या किसी राजतंत्र के अंतर्गत ना रहकर स्वतंत्र रहें। और इसका परिणाम यह हुआ कि आए दिन इन राज्यों में विद्रोह होता रहता था तुर्की शासन से मुक्त होने का। युवा तुर्कों का एक प्रयास हुआ कि ये जो भावनाएं हैं ये तो आ गई हैं, लेकिन इन्हें हमें सही तरीके से निपटाना है। तो ये कारण जो था यह बहुत बड़ा कारण बना युवा तुर्क आंदोलन होने का। अब हम बात करते हैं तुर्की की कमजोर स्थिति। तुर्की की कमजोर स्थिति हो गई थी, कोई भी चारों तरफ यूरोपीय राज्य उस पर नजर गड़ाए हुए थे कि जहां मौका मिला पहुंच गए, इंटरफेयर करने लगे, इधर हमको दे दो भैया, ये मुझे दे दो, ये तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा, छोटी छोटी लोभ लालच दे करके ये यूरोपीय देश उस तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत जो भी राज्य थे, जो भी प्रांत थे, उसे अपनी तरफ करने लगे। इसे देख करके युवा तुर्कों ने सोचा कि ये स्थिति नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसी स्थिति होगी तो हमारे जो ऑटोमन साम्राज्य वो कमजोर होता जाएगा, वो तो हो ही रहा था। तो यही कारण है कि युवा तुर्क आंदोलन हुआ कि हमें जो ये कमजोर हो रहा है हमारा तुर्क, हमारा साम्राज्य, उसे हम फिर से मजबूत बनाए। तुर्की पर यूरोपीय प्रभाव, जैसा कि हम बताए रूस हो या ऑस्ट्रिया हो या इंग्लैंड हो या फ्रांस हो, सबकी नजर तुर्की के इन राज्यों पे लगी रहती थी कि किस प्रकार से, किस आधार पर हम इन राज्यों पर अपना कब्जा जमा सकें। यह बातें युवा तुर्कों को खटकती थी और युवा तुर्क इससे प्रोत्साहित हुए कि नहीं, अब ये नहीं होगा। ठीक है, राष्ट्रवादी नेताओं का उदय हुआ, इस समय बहुत सारे राष्ट्रवादी संस्था का उदय हुआ। इन राष्ट्रवादी नेताओं और संस्थाओं ने क्या किया, लोगों में एक जागृति पैदा की कि हम एक महान ऑटोमन साम्राज्य के निवासी हैं, हम एक महान तुर्क साम्राज्य के रहने वाले हैं, तो हमें इसे बचा कर रखना है। इसके लिए नेताओं ने लोगों को जागृत किया, एक जागरण का संघ फूका कि हमें इस तरह आपस में उलझना नहीं चाहिए, हमें विद्रोह नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें एक साथ रह करके अपने राज्य को, अपने इस ऑटोमन साम्राज्य को और मजबूत बनाना चाहिए। तो इन नेताओं ने और इन संस्थाओं ने यह काम करने में बहुत बड़ा योगदान दिया
और युवा तुर्क इसके लिए आगे बढ़ चढ़कर इन्होंने युवा तुर्कों ने काम किया। तो इसका योगदान, जैसा कि हम जानते हैं कि अब्दुल हमीद जो था, जो स्वेच्छाचारी शासक था, वह अलग सोच का था। उसकी क्या सोच थी कि हम जितना दमन करके रखेंगे, हम जितना डरा के रखेंगे शासन, उतना ही अच्छा चलेगा। उसने संसद पर, सांसदों पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिए। इनका प्रभाव क्या हुआ, दबे नहीं लोग और उनका भड़ास जो है अलग तरीके से निकलने लगा। ऐसे समय में युवा तुर्क आंदोलन ने प्रेस को एक नया रूप दिया और इसके द्वारा, प्रेस के द्वारा लोगों को एकजुट रहने का, एक रहने का, अखंड रहने का प्रयास करवाया। तो इस तरह हम देखते हैं कि युवा तुर्क आंदोलन होने का कारण यह था, युवा तुर्क आंदोलन, कि हमें अपने तुर्की साम्राज्य को फिर से पुनः स्थापित करना है और उसकी प्रतिष्ठा को बरकरार रखना है। हम बात करते हैं इसके उद्देश्य की, क्या उद्देश्य था इसका। तो इसका उद्देश्य सिर्फ एक था, सिर्फ एक नहीं, दो तीन उद्देश्य था। सबसे पहले तुर्की में एकता और अखंडता बनाए रखना। चारों तरफ जो विद्रोह आए दिन होते रहते थे, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, इनको बंद करना, प्रशासन की तरफ से सबके साथ समान भाव करना, ताकि कोई रुष्ट ना हो, किसी में असंतोष के भाव ना आए। तो उनका यह उद्देश्य था, अच्छा उद्देश्य था, बुरा उद्देश्य नहीं था। निरंकुश शासन की समाप्ति करना, जो राजतंत्रात्मक शैली में होती है कि राजा के बाद उसका बेटा राजा बनता है, चाहे उसमें योग्यता हो या ना हो। तो अक्सर क्या होता है, अयोग्य व्यक्ति भी राजा बन जाते हैं, क्योंकि वो राजा के पुत्र हैं या उत्तराधिकारी हैं। तो ऐसे समय में वह शासन को सही तरीके से संचालित करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो क्या होता है, वहां के लोग, जनता, वह भड़क जाती है, उनमें असंतोष हो जाता है। तो युवा तुर्कों का उद्देश्य था कि यह निरंकुश शासन पद्धति समाप्त हो और लोकतंत्रात्मक पद्धति से शासन चलाया जाए। वह राजतंत्र व्यवस्था जो बरसों से चली आ रही थी, ऑटोमन साम्राज्य, जो ऑटोमन साम्राज्य का जो हेड होता था, वो धरती में, विश्व में जितने भी मुसलमान है उसका वह हेड होता था, खलीफा होता था। तो उस व्यवस्था को हटा करके वो क्या चाहे कि यहाँ पे लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में शासन व्यवस्था शुरू की जाए। अच्छी सोच थी, उद्देश्य बहुत अच्छा था। स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की स्थापना करना। लोग जो बार बार गुस्सा में विद्रोह करते थे, बहुत असंतुष्ट होकर विद्रोह करते थे, तो युवा तुर्कों का कहना था कि इन्हें असंतुष्ट होने ही ना दिया जाए। ये असंतुष्ट क्यों होते हैं, तभी ना होते हैं जब इनके साथ भेदभाव किया जाता है, जब इनकी सुनी नहीं जाती है, जब इनके साथ अन्याय होता है, तब ये भड़कते हैं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, सभी के लिए हमें एक तरह का व्यवहार करना चाहिए, ताकि लोग संतुष्ट रहें और तुर्क साम्राज्य, तुर्क झंडे के अंदर सभी एक साथ मिलकर रहे, ये इनका उद्देश्य था। और सबसे महत्वपूर्ण क्या था, तुर्की का आधुनिकीकरण, तुर्की को मॉडर्न बनाना। परंपरावादी विचार, परंपरावादी स्टाइल से निकलकर तुर्की को एक नया रूप देना, पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार इसका विकास हो, यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा पर पाश्चात्य शिक्षा, सभ्यता, संस्कृति का छाप हो, यह ये चाहते थे कि अब वो पुराना या पारंपरिक जो स्टाइल था साम्राज्य का, वह खत्म हो और नए तरीके से तुर्की का विकास हो। तो इस तरह इनका उद्देश्य ये था। इन्होंने इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए युवा तुर्कों ने गृह नीति भी बनाई, विदेश नीति भी बनाई। गृह नीति के अंतर्गत उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जो बीच बीच में इधर एक संगठन विद्रोह कर रहा है,
दूसरा संगठन आतंक फैला रहा है अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए, तो सबसे पहले ये कहा गया कि जितने भी ऐसे संगठन संगठन है विघटनकारी संगठन जो देश में अव्यवस्था अशांति फैलाने का काम करते हैं, ऐसे संगठनों को बंद किया जाए। इसको बहुत स्ट्रिक्टली लागू किया गया कि अब जो तुर्क में जो रह रहा है वह ऐसे ऐसे संगठन ना बनाए जो तुर्की साम्राज्य के खिलाफ हो। दूसरा, तुर्की की एकता को मजबूत करने के लिए पान ऑटोमन का नारा दिया, यानी वृहद ऑटोमन, कि हम जितने भी ऑटोमन साम्राज्य के निवासी हैं सब एक है, हमें जो है एक साथ रहना है, हमें अपने साम्राज्य को उसी तरह से पुनर्जीवित करना है और उसे खड़ा करना है, पुनर्स्थापित करना है। तो ये उसकी भावना थी, लेकिन ये सफल नहीं हो सका क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य में जैसा कि मैंने बताया अलग अलग धर्म के लोग, जाति के लोग, और इनकी अलग अलग आकांक्षाएं, इनकी अलग अलग जरूरतें, इस बात को वह हटा नहीं सके, वह उपस्थित ही रह गया। फलतः ये जो वृहद ऑटोमन की बात थी वह बेकार हो गई। अब जब देखा गया कि भाई इस बात पे तो कोई तैयार नहीं हो रहा है, संगठन लोग तो एक नहीं हो रहे हैं, तुर्की जो है अभी भी खतरे में है, तब उन्होंने क्या किया, वृहद इस्लाम ये नारा दिया कि हम लोग जो है विश्व के सभी इस्लाम जो है एक है, ऑटोमन साम्राज्य के अंदर है। तो इस तरह के उन लोग इस तरह का प्रयोग उन्होंने किया। फिर यामी तुरानिज्म एक नारा दिया जिसमें तुर्कियों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया, लेकिन जो भी प्रयास इन युवा तुर्कों के द्वारा किया गया वह सफल नहीं हो सका। विदेश नीति की बात की जाए, इन्होंने विदेश नीति बनाई कि अब जो है विदेशियों का हमारे मामले में हस्तक्षेप नहीं करना है, या ऐसे बहुत सारे बर्लिन समझौता जो वो उसको पुनर्स्थापित करना है। तो इस तरह के जो बहुत सारे काम उन्होंने किए विदेश नीति के अंतर्गत, वह भी जो है सफल नहीं हुए। उद्देश्य उनका अच्छा था, नो डाउट, बहुत अच्छा उद्देश्य था, लेकिन उस उद्देश्य को प्राप्त करना बहुत आसान नहीं हो रहा था क्योंकि समय बदल गया था, लोगों में जागरूकता आ गई थी, परिस्थितियां अलग हो गई थी, अब लोग किसी के कहने मात्र पर विश्वास नहीं करने वाले थे, वह अपना हित देखना और समझना जानने लगे थे। अब हम बात करते हैं कि इसके क्या प्रभाव पड़े, ये जो युवा तुर्क आंदोलन हुआ 1960 में इसके क्या प्रभाव पड़े। तो सबसे पहले तो जो ऑटोमन साम्राज्य था जिसमें राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी वहां यह खत्म हुआ और लोकतंत्रात्मक सत्ता शुरू हुई। सुधारवादी सेना, एक समय था जब राजा या सुल्तान आदेश देता था कि कत्लेआम कर दो, खून बहा दो, अब वो सेना यह देखने लगी कि हम जो काम कर रहे हैं वो कितना न्यायपूर्ण है, अगर कोई व्यक्ति अपने स्वतंत्रता के लिए या अपने अधिकार के लिए झंडा उठा रहा है, खड़ा हो रहा है, तो उसे मार देना हमारा सही कर्तव्य नहीं है। तो सेना में एक सुधारवादी प्रवृत्ति का विकास हुआ। अंतरजातीय वैमनस्य का विकास हुआ। क्या हुआ अंतरजातीय वैमनस्य का विकास, आपस में जो जैसे शर्व जाति के लोग हैं वह चाहते हैं सर्बिया में एक साथ मिल जाए, लेकिन उधर ऑस्ट्रिया जो है वह अपनी नजर गड़ाए हुए है, बोस्निया हर्जेगोविना इन क्षेत्रों पे सर्व जाति के लोग हैं जिस पर सर्बिया का अधिकार होना चाहिए वो ऐसा मानता है, लेकिन ऑस्ट्रिया उसको अपनी तरफ लेना चाहता है। इसी प्रकार रूस की नीति अलग है, अधिक से अधिक वो अंदर घुसना चाहता है तुर्की क्षेत्र में, और इसके कारण जब रूस आगे बढ़ता है तो फ्रांस को प्रॉब्लम होता है, जर्मनी को प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये तुर्की का ये मामला शांत तो नहीं हो रहा था, बल्कि इसमें जो है और भी जटिलता आती जा रही थी।
और जो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय जो संबंध थे वह भी गड़बड़ होने लगे थे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव, यह बहुत बड़ा कारण है कि युवा तुर्क आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव डाल दिया। कितनी अनोखी बात है, लेकिन है। सबसे पहले हम देखेंगे क्या, बुल्गारिया स्वतंत्र हो गया। अब बुल्गारिया के स्वतंत्र होने से दूसरे देशों में भी वो आकांक्षा तीव्र हो गई कि अब हमें भी स्वतंत्र होना है। ऑस्ट्रिया ने क्या किया, बोस्निया और हर्जेगोविना को अपने अंडर ले लिया। अब यह बात रूस को कहां अच्छी लगेगी कि भाई क्यों ऑस्ट्रिया उसे अपने अंडर ले लिया, वो तो बहुत गलत है। सर्बिया भी बहुत मुश्किल में कि बोस्निया और हर्जेगोविना को तो सर्बिया में मिलना चाहिए, यहाँ के सर्ब जाति के लोग रहते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता, वो कमजोर राज्य है, छोटा सा राज्य है। अब फ्रांस जो है वो भी ध्यान दे रहा है कि रूस बहुत आगे बढ़ रहा। तो इस तरह की इतनी सारी समस्याएं इस समय पैदा हो गई इस युवा तुर्क आंदोलन के समय ही, कि जो पूरा अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पर ही उसका असर पड़ने लगा। और इसका परिणाम क्या हुआ, यहां बालकन समस्या, बालकन युद्ध शुरू हो गए। वो जो ऑटोमन साम्राज्य में जो यूरोपीय राज्य थे उसके अंतर्गत ऐसी ऐसी आपस में खींचतान शुरू हो गई कि बालकन युद्ध होना निश्चित हो गया। बालकन युद्ध हुआ और बाद में हम देखते हैं कि वह बालकन युद्ध या बालकन समस्या जो है प्रथम विश्व युद्ध के लिए भी बहुत अधिक उत्तरदायी हुआ। तो इस तरह युवा तुर्क आंदोलन, अगर पूछा जाए युवा तुर्क आंदोलन क्या था, इसके उद्देश्य क्या थे, इसका परिणाम क्या था या इसके कारण क्या थे, तो यही इसके कारण थे। और यह आधुनिक आधुनिक विश्व के इतिहास में यह एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इसके साथ ही मैं समाप्त करती हूँ आज का। खैर, धन्यवाद।